डू प्रोडा थम्सअप अगर मेरी वॉइस अच्छे से आ रही है तो दीज आर दिब्यूट विच आर यूज सोर्स ऑल्टरनेट टेक्सट एंड एंड राइट सो जब भी हम लोग इमेज टैग यूज करेंगे उसके साथ सबसे नेसेसरी जो एट्रीब्यूट होता है इट इज द एस आर सी एट्रीब्यूट एस आर सी से क्या होता है आप एड्रेस दे सकते हो कि कहा से आपको इमेज इंसर्ट करनी है सेकेंड वन इज ऑल्ट ये क्या करता है ये एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्प्ले करता है कभी कभी क्या होता है अगर आपकी इमेज डिलीट हो गई बाय बाई चांस या फिर वो इमेज लोड नहीं हो रही है सो so, उस इमेज के बदले जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा दैट इज नोन एज ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट यू कैन यूज ए एल टी एट्रीब्यूट टू डिस्प्ले एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट यू वॉन्ट एंड नेक्स्ट इज यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द हाइट एंड विड्थ आप जो भी इमेज डालोगे फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स अ वेरी बिग इमेज एंड यू वॉन्ट टू चेंज द इमेज इन टू स्मॉलर साइज जब भी आपको एक स्मॉलर साइज में इमेज कन्वर्ट करनी है यू ऑलवेज मैं हाइट एंड विथ आप इसको परसेंटेज में लिख सकते हो या फिर पिक्सल में भी लिख सकते हो बट जनरली इज आपको सिर्फ हाइट स्पेसिफाई अगर आप करोगे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग इट एज सेवेंटी फाइव परसेंट तो आपको विथ मैंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो सेम रेशियो में ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेगा तो दिस इज हाउ यू यूज द इमेज टैग नाउ लेट्स क्विकली सी वॉट लिस्ट सर एक लिस्ट तो ये होती है वेन यू आर नेमिंग स्टूडेंट एंड इट इज नंबर्ड स्टूडेंट वन सेकेंड इज स्टूडेंट टू एंड थर्ड वन इज स्टूडेंट थ्री वन लिस्ट कैन बी लाइक दिस और द अदर कैन बी लाइक दिस जहां पर आप बुलेट्स यूज करते हो फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस टीम वन टीम टू एंड टीम थ्री देर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिक लिस्ट जो हम लोग देखते हैं और एक और टाइप ऑफ लिस्ट होती है कि ये वाली नंबर होती है और ये वाली नंबर नहीं होती है एंड इट इज नॉट द केस कि आप सिर्फ नंबर और सिर्फ सर्कुलर बुलेट्स यूज कर सकते हो आप इसके बदले रोमन न्यूमरल्स भी यूज कर सकते हो एंड ओवर ओवरऑल आप यहां पर स्क्वायर बुलेट्स भी यूज कर सकते हो तो दिस इज द मीनिंग मीनिंग ऑफ लिस्ट यस एग्जैक्टली तो मूविंग ऑन सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट राइट इफ वी वॉन्ट टू क्रिएट अ लिस्ट विच इज लाइक दिस राइट फर्स्ट मैंगो आ रहा है फिर ऑरेंज आ रहा है देन बनाना सो वॉट यू हैव टू सबसे पहले जो आपको करना है आप लिखोगे वो आपके लिस्ट में एग्जैक्टली exactly ऑर्डर लिस्ट में आएगा ऑल द लिस्ट आइटम्स जो भी आप कर रहे हो आपको एल आई टैग के बीच में लिखना है प्लीज रिमेंबर एल आई टैग मीन लिस्ट आइटम्स ओके तो दिस इज द ऑर्डर्ड लिस्ट जैसे आप क्रिएट कर सकते हो नेक्स्ट वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट तो अनऑर्डर्ड लिस्ट इफ यू कैन सी यू यहां पर बुलेट्स होते हैं बुलेटेड पॉइंट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू मैं द टाइप एज स्क्वायर तो यहां पर स्क्वायर वाले बुलेट्स आ गए हैं इफ यू मैंशन द टाइप डिस्क यहां पर सब डेस्क वाले बुलेट्स आए हैं सिमिलरली इफ यू राइट सर्कल एज यू सी सर्कल में बीच में फेल्ड नहीं है इट इज एमटी तो दिस इज द टाइप ऑफ सर्कल बुलेट लिस्ट ऑल राइट रेती मे बी एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल आंसर योर क्वेश्चन राइट एज वी सो वॉट अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप कौन कौन से कर सकते हो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आता है सिंगल डिजिट है यहाँ पर एक रोमन न्यूमरल है इन कैपिटल एंड दिस इज रोमन न्यूमरल इन स्मॉल सिमिलरली कैपिटल ए एंड स्मॉल कर सकते हो सो so, ये सब चीजें आती है आपके टाइप एट्रीब्यूट में जैसे आप यहां पर अगर आपने टाइप वन लिखा तो आपका जो लिस्ट होगी वो वन टू थ्री होगी एंड नेक्स्ट अप इज स्टार्ट आपको ये आप ये आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी लिस्ट कहां से one? One से स्टार्ट स्टार्ट होने वाली है इज इट स्टार्टिंग फ्रॉम अगर नहीं हो रही आप मैं कर सकते हो वो नंबर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पर ऐसी लिस्ट बनाई है तो इट विल बी ऑफ द टाइप वन मतलब नंबर्स होंगे उसमें एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम थ्री सो बेसिकली इट विल स्टार्ट लाइक दिस थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन तो दिस इज द लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट जो क्रिएट होगी इस इस इंटैक्स से हेलो अर्सला हेलो निखिल यस रिधि इट वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग माय हेयर राइट तो दीज आर द वेरियस सीक्वेंसेस जो फॉर्म होते हैं इन टाइप से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर नंबर टाइप दे रहे हो आप तो नंबर से स्टार्ट होगी अगर आप अल्फाबेट्स का टाइप दे रहे हो तो अल्फ़ाबेट्स से स्टार्ट होगा तो प्रेटी ईजी मूविंग ऑन लेट्स सी व्हाट अनऑर्डर्ड लिस्ट है हम लोगों ने देखा जहां पर आप बुलेट पॉइंट्स यूज करते हो दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट सो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए यू हैव टू यूज दू एल टैग्स ऑलवेज रिमेंबर टू ओपन एंड क्लोज दम और इसके बीच में एल आई टैग यूज होता है टू क्रिएट द लिस्ट आइटम्स फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट अ कोड लाइक दिस इट इज यूएल एंड लिस्ट आइटम्स जो भी मेरे को डालनी है फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू राइट मिल्क राइट सिमिलरली इफ आई वॉन्ट टू एड अनदर लिस्ट आइटम मैं यहाँ पर यहाँ से ले रहा हूँ मिल्क एंड टॉयलेट पेपर i again close the list tag all right so yahan यहाँ पर जो list create hogi होगी will be an unordered list. It will look like something like this. यहाँ पर ऐसा करके milk आया नेक्स्ट लिस्ट आइटम इज सो क्रिश एल आई मीन द लिस्ट आइटम जैसे अगर आपको यहाँ पर मिल्क डालना है एल आई टैग आप इसके बीच में जो भी लिखोगे वो एज अ लिस्ट आपको दिखेगा देर आर वेरियस टाइप्स इन दीज ऑल्सो आपको जस्ट मैं तो वॉट टाइप ऑफ बुलेटेड लिस्ट यू वॉन्ट अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो आप स्क्वायर ला दे सकते हो

जैसे अगर यहाँ पर देखो दिस दिस मेन लिस्ट इज नंबर्ड बाय द नंबर्स एंड जो इसके अंदर लिस्ट है दिस इज अनऑर्डर्ड जहां पर बुलेट्स यूज हो रहे हैं यहाँ जनरली आप, आप देखते हो जैसे मेन्यू में यूज होता है किसी भी रेस्टोरेंट के मेन्यू में या फिर अगर आप किसी कैफे जा रहे हो वहां पर मेन्यू में ऐसे लिस्ट मिलते हैं आपको तो दिस वॉज अबाउट नेस्टेड लिस्ट क्विकली सींग डेफिनेशन लिस्ट हम लोग जस्ट एक क्विक रिविजन कर रहे हैं वॉट आर द वेरियस काइंड ऑफ लिस्ट्स हम लोगों ने इससे पहले देखा वॉट इज द आई एम जी टैग आई एम जी टैग से आप हमेशा कोई इमेज डाल सकते हो प्लीज नेवर टू द द एड्रेस ऑफ इमेज नो आपका नंबर्स so like नहीं होते हैं ना बुलेट्स होते हैं इसमें जो ऑर्डरिंग होती है इट इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन टर्म जैसे यहां पर मैं हर एक टर्म का फुल फॉर्म लिख रहा हूँ राइट हाइपोटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का एच टी एम एल सो दीज टर्म्स आर द लिस्ट आइटम्स द डेफिनेशन टर्म्स एंड इसके नीचे उसकी डेफिनेशन होती है टैग विच यू यूज डेफिनेशन लिस्ट आप इसके बीच में प्लीज रिमेंबर हम लोग यहाँ पर एल आई टैग जो है वो नहीं यूज करते हैं एल आई टैग नहीं यूज होगा यहाँ पर यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे डेफिनेशन टर्म एंड डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन तो डेफिनेशन टर्म में मतलब क्या ये जो आप डेफिनेशन टर्म आ रहा है एस टी एम एल का

दिस वॉज अ प्रिटी क्विक रिविजन की वॉट हाउ यू कैन इंसर्ट इमेजेस एंड वट आर वेरियस काइंड ऑफ लिस्ट फर्स्ट वन वॉज ऑर्डर्ड सेकेंड इज अनऑर्डर्ड एंड थर्ड इज डेफिनेशन लिस्ट प्लीज रिमेंबर द डेफिनेशन लिस्ट कैसी होती है जैसे हम लोगों ने एसटीएमएल लिखा है यहां पर इसका एक फुल फॉर्म आएगा अगेन इफ आई एम राइटिंग अ शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर अगेन एक फुल फॉर्म आएगा सो दीज आर द लिस्ट टर्म्स हेलो विशाल ऑल राइट कॉरवी इट्स कम्प्लीटली फाइन इट वॉज अ क्विक सेशन हम लोगों ने देखा हाउ टू इंसर्ट इमेजेस एंड वॉट आर द काइंड ऑफ लिस्ट नाउ गाइज यू कैन आस्क मी डाउट्स अगर आपको डाउट्स है कोई एच टी एम एल में और एनी अदर टॉपिक फ्रॉम फॉर योर टर्म वन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल राइट आई होप यू आर डूइंग वेल बेस्ट फॉर योर सी बी एस ई टर्म वन एग्जाम्स आई होप यूर प्रेपरेशर गोइंग वेल बट अगर आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है सो एवरी सैटरडे एंड संडे देर आर कंटिन्यूस एग्जाम्स विच आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट थिंग यू गेट इन ऑल इंडिया रैंक बट मेजर थिंग क्या है आपसे आपका इससे टर्म वन का प्रेपरेशन बहुत अच्छा हो जाता है आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने मिलते हैं एंड इन ऑल इंडिया रैंक आपको पता चलता है कि वॉट इज द कॉम्पिटिशन लाइक इट इज अ फ्री लाइव मॉक टेस्ट एवरी वीक सीबीएसई वाला ही सिलेबस होता है देर इज नथिंग एल्स कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यू गेट अ डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट हाउ यू हैव परफॉर्म इन साइंस मैथ्स में आपके वीक्स एरियाज कौन से आपके स्ट्रॉगर एरिया कौन से है ऑल राइट तो विशाल वॉट इज योअर टॉपिक फॉर कंप्यूटर लैब डू है डू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन एनीथिंग टू यू ऑल राइट विशाल प्लीज लेट मी नो अगर आपको कोई टॉपिक में डिफिकल्टी आ रही है अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको डिफिकल्ट लगता है यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो एल्स अगर आपको कोई एक्स्ट्रा डाउट आ रहा है यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स आई एम गुड गो डाउम राइट यू पाइथन यू हैव अ डाउट कैन गो एड एंड आस्क मी आई विल ट्राई टू सॉल्व इट बट थियोरिटिकल क्वेश्चन अगर होगा सो इट विलटिकल होगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बाई यूजिंग दिस फॉर्मैट क्योंकि मैं सर लिख सकता हूँ इट सो रेदी पाइथिन क्लासेज विल टिफ्टी नवम्बर दिस इज स्पेसिफिकली फॉर पाइथिन पाइथिन स्टार्ट करेंगे आफ्टर फिफ्टीन नवेंबर ऑल राइट तो ये जो टेस्ट है ये ऑलरेडी हो चुके हैं बट द अपकमिंग सैटरडे एंड संडे प्लीज रिमेंबर द टाइम

आई होप यू स्कोर वेरी वेल सो अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन सो जैसे हम लोग यूट्यूब पर पढ़ते हैं जनरली सो वन मेजर ड्रॉबैक एस की आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है यूट्यूब पर आपको डाउट क्लियरिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती है यूट्यूब पे बट ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो सो आपकी रेगुलर डाउट सॉल्विंग होगी यू गेट द स्टडी मटीरियल मतलब एग्जाम के पहले आपको पी डी एफ आपके हाथ में होंगी फ्रॉम वेयर टू स्टडी यू गेट प्रैक्टिस टेस्ट एंड ऑल्सो लाइव टेस्ट सीरीज जो हर हमेशा सैटरडे और संडे को होती रहते हैं एंड आपका जो सिलेबस है कंप्लीटली कवर होता है हर बार यस विशाल डिलीटेड फाइल कैन बी रिस्टोर्ड फ्रॉम द रिसाइकल बिन आप सर्च करो अपना रिसाइकल बिन। राइट रिसाइकल बिन में अगर नहीं है देन यू विल नीड डेटा रिस्टोरेशन सॉफ्टवेयर ऑल राइट द प्राइसिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है आई वुड सजेस्ट यू टेक इट अगर आपको सिर्फ ट्राई करना है सो थ्री मंथी फाइव हंड्रेड बट आफ्टर यूजिंग माई कोड अगर मेरा आप कोड जो आस्क जीरो वन है ऐप में कहीं भी यूज करोगे आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा आप थ्री मंथ्स के लिए ट्राई आउट कर सकते हो बट जैसे जैसे आप सब्सक्रिप्शन की ड्यूरेशन बढ़ाते हो द प्राइस कम्स डाउन जैसे यहाँ पर वन जीरो फोर टू का है फॉर टू ईयर्स पर मंथ आफ्टर यूजिंग माई कोड आपको अप्रोक्सिमेटली नाइन फिफ्टी रुपीज पर मंथ पड़ेगा फॉर टू ईर्स विच इज क्वाइट चीप इवन चीपर देन योर स्कूल एंड ट्यूशन रोयल राजोस्ट नॉट पॉसिबल टू हैक माइक्रोसॉफ्ट ऑल राइट सो देर आर समोइंग बैचेस जो अभी चल रहे हैं इलेवंथ अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो यू कैन अटेंड ऑल दीज बैचेस फॉर केस स्टडी प्रिपरेशन आपका एडवांस मैथ मैराथन बैच

आई होप एवरी जिन लोगों को उसकी प्रेपरेशन करनी है दाइस थार द फर्स्ट फाइव हंड्रेड सब्सक्राइबर्स एंड अगेन फॉर जे पीपल जिन लोग को आई आई टी जाना है जे पीपल वॉन्ट टू बिकम इंजीनियर्स उन लोग के लिए भी एक ऑफर है इट इज नॉट एटी वन थाउजेंड इट इज सिक्सटी एट थाउजेंड गोइंग ऑन करेंटली ओनली फॉर द फर्स्ट फाइव हंड्रेड सब्सक्राइबर्स

एंड फ्रॉम टू ईयर्स टू फोर ईयर्स का अगर आपका सब्सक्रिप्शन है यू गेट सिक्स परसेंट सिक्स मंथस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट राइट एंड देर इज ऑल्सो समथिंग एल्स जैसे हम लोगों ने प्लस का सब्सक्रिप्शन देखा प्लस में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स है बहुत सारे आईकॉनिक में उससे भी ज्यादा फीचर्स है प्लस तो आपको मिलेगा ही बट उससे ज्यादा आपको बेस्ट चीज मिलेगी एक पर्सनल मैंटअप आपको वन वी वन मतलब आपकी लाइव डाउट सॉल्विंग होती है वहां पर वन ऑन वन आपके सेशंस लिए जाते हैं जहां पर आपको बताते हैं हाउ टू स्टडी फॉर योर एग्जाम्स कैसे बोर्ड के लिए प्रेपरेशन करें दे विल आल्सो हेल्प यू इन योर वीक एरियाज सो मूविंग ऑन यू आल्सो गेट योर वीकली रिपोर्ट कार्ड्स यू गेट योर स्टडी प्लानर्स द प्राइसिंग फॉर आइकॉनिक इज समथिंग लाइक दिस अगर आप मेरा कोड यूज करते हो यू ऑब्वियसली गेट टेन ऑफ टेन ऑफ मिलेगा वेन यू यूज अ कोड For oh, 24 months, that is 2 years. The offer price is 20, uh, 2000 per month, but after using my code, it will be only 1800. So please try to take it iconic agar suitable hai. But you can always try all the things for free. Just download the app on Android, Android made app download karo, and you can use my code, which is R01. Alright, Vishal. <laughs> which sport do you play? Alright, so my free special classes are there. You can follow.

एंड टाइप्स ऑफ लिस्ट दीज आर मेजर क्वेश्चन जो आपके फिफ्टीन मार्क्स के आते हैं एच टी एम एल से फॉर योर टोम वन एग्जाम्स आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल फॉर फर्दर क्वेश्चन यू कैन वॉच द प्रीवियस ट्वेंटी वीडियोज और नेक्स्ट वीक हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंटिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू लेटअप